में हूं और उस नाते हम संस्कार भारती को कार्य करते हुए देख रहे हैं, कलाकारों को कौन ऐसा है जो बहुत अच्छा कर लिया लेकिन कोने में रह गया। अब आप हमसे ये मत बोलिएगा कि अन्याय तो बहुत लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि इस भवन में कई ऐसे लोग हैं जिनको ये फील हो सकता है कि हमारी कला को नहीं पहचाना गया, हमने बहुत सुंदर फिल्म बनाई, हमारा नंबर नहीं आया, या हम बहुत अच्छे गायक हैं, गायिका हैं, हमारा नंबर नहीं आया, हम बहुत अच्छा अभिनय किए लेकिन गवर्नमेंट ने हमें नहीं पहचाना। ऐसी बातें कई लोगों के मन में हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा कि जिसको इन लोगों ने सपोर्ट किया उसको आए हुए 4 साल हुआ गाड़ी धीरे धीरे पटरी पे आ रही है। तो ये भी मैं समझता हूं कि मुंबई की एक यूनिक मीटिंग होगी जिसमें वर्तमान में कलाकारों के हितों की रक्षा करने वाली सरकार से जुड़ी हुई, सरकार के तरफ से बार बार जिनसे सलाह लिया जा रहा हो वो मुंबई के लोगों से बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि पहले भी लोग आते थे, पहले बात किससे करते थे, बड़े बड़े लेवल पे बातें होती थी और वहीं से क्या योजना आई सरकार की फिल्मों के लिए, कलाकारों के लिए, वहीं से चली गई। जो मध्यम वर्गीय हम लोग हैं, हम ऐसा मानते हैं कि हम बॉलीवुड में मध्यम वर्गीय लोग हैं। एक वर्ग ऐसा है जो अगर उसका मन होता है तो चला जाता है, मिल के आ जाता है, उसके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन अब हमने कोशिश की कि सरकार भी आपके पास आए, कलाकारों के पास आए, बात करें, जिनसे मिलने के लिए सब लोग वहां जाते हैं वो आपके बीच में आए। और मैं अमीर चंद जी से और भी इसलिए प्रभावित हूं कि इस देश में संस्कृति नैमिषेय की कल्पना हुई है। अब आपके मन में उठेगा कि संस्कृति नैमिषेय क्या है, हम कब तक ऑस्कर अवार्ड को ही दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मान के चलेंगे, हम कब तक नोबेल प्राइज को ही दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मान के चलेंगे, हम कब तक कॉन फिल्म फेस्टिवल को ही सबसे बड़ा मान के चलेंगे। हमारे भारत का कोई अवार्ड क्यों नहीं ऐसा हो सकता जिसको दुनिया का कोई व्यक्ति पाने के लिए नाजायज। और मैं इस सौभाग्यशाली हूं कि उस दिन मैं भी उस मीटिंग में था, मनोज भाई साहब भी उससे जुड़े हुए, मनोज जोशी जी, गजेंद्र भाई साहब भी उससे परिचित हैं, इतना उनका उसमें जुड़ाव है मुझे नहीं पता, लेकिन जानकारी तो भाई साहब को है। तो हम संस्कृति नए विषय जो जिस टीम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है श्री अमीर चंद जी, और हमारी सरकार में बहुत सारी ऐसे कार्यों के लिए हम लोग बहुत धन की कमी नहीं होने दे रहे, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी खर्चा करना पड़े। लेकिन एक सोच जो आई, नमस्ते, आप आ सकते हैं, जहां कुर्सी मिले वहीं बैठ जाओ, सोचने नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग पीछे कुर्सियों में बैठे हुए। तो जिस दिन संस्कृति नैमिषेय की सोच डाली श्री अमीर चंद जी ने, तो मैं निश्चित रूप से मेरा मन बहुत सारी बातें सोचने लगा। एक समय था जब भारत की बातों को पूरी दुनिया मानती थी और बाकी लोग अशिक्षित माने जाते थे, जंगली माने जाते थे। एक ऐसा समय था जब हम लोग चलते हैं अपने
प्राचीन काल में जाइए, अगर सम्राट अशोक की कहानी पढ़े, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी पढ़े, जो चाणक्य भाई साहब प्ले करते हैं, तो वो एक ऐसा समय था जब पूरे न जाने दुनिया के कितने हिस्से में, जो आज बिहार है वहां से मगध साम्राज्य होता था, उसके